ये कौन है, क्या लगती है तेरी? ये हमारी चाचा की लड़की लगती है। चाचा की लड़की है, इसको क्या हुआ? ये ऐसे एक एक हफ्ते तक बेहोश रहती थी और आईसीयू में इसको भर्ती कर दिया जाता था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। आईसीयू में भर्ती कर लेता था और उसके बाद इलाज चलती रहती थी और फिर कुछ टाइम दवा चलता था तो ठीक रहती थी, फिर उसके बाद ऐसे ही हो जाती। देखो आईसीयू से बाहर लेके आता हूँ। आई बार आ गई। खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। हाँ था, सबके सामने आईसीयू से बाहर आ गई। डूब के मर जाओ वे डॉक्टर भारत के जो ये कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं। क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? ये ऐसे बेहोश होती थी, इसको आईसीयू में लगा देते हैं। एक बार में कितना पैसा लेता था? अरे लग जाता था एक बार में 50,000, 60,000, 1,00,000। एक बार में 50,000, 60,000, 1,00,000। और कई दिन में होश में आती थी? अरे एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते। अगर ये आदमी पहले से ये मान लेता प्रेत होते हैं, तुम्हारी बेटी को प्रेत है, तो इसके इतने पैसे बचते कितने? हमार बहू है महाराज। कितने पैसे बचते ये बताओ? हमार बहू है ये बता, कितने पैसे बचते हो? ढेर का बताए कि हमन के तीन तीन दिन चार चार दिन खाना नहीं। रुक जा, हॉस्पिटलों में कितने पैसे दिए इसके लिए? हम ना देले बानी पैसा, हम देले बानी कम से कम 12,00,000 रुपया देले बानी। खेतवा सब गिरवी रख रख दे, खेत गिरवी रख के पैसे दिए। इसके पैसे डॉक्टरों से कौन दिलाएगा? कहाँ की रहने वाली है तू? खुशी नगर। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। हाँ पड़ता है। ये योगी राज महाराज, देख ले तू तेरे राज में क्या हो रहा है। कोई कह रहा है मेरा राज सुख देने वाला है, कोई राज सुख देने वाला नहीं है। गरीबों के लिए सब दुख देने वाले हैं, कष्टकारी है। आगे ना इसको प्रेत बाधा है लड़की को, है कि नहीं है? तबे ना, तबे ना, तबे ना। मनु भैया की हथौड़ी से ये किससे बाहर आ गई बताना? आईसीयू से। आईसीयू से बोले सनिधि महाराज की। सिद्ध करके कौन दिखाएगा? तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगा कदापि। दुनिया भर के चैनल वाले उनको टीन दिखाई दे रही है, उनको दिख रही है। मनु भैया तुम्हें देंगे क्या? खुद तो 125 रुपए ले रहे हैं। है इनका साफ निकाल दी। नहीं मनु भैया तुम्हें देंगे क्या? उनको पता है तो खुद तो 125 रुपए ले रहे हैं, तुम्हारे चैनलों वालों का पेट कैसे भरेंगे भाई? वो टप टप बरखा में हम लोग भीगते हैं, बरखा में भीगते हैं, झोपड़ी टप टप करता है, जो खेत थे वो गिरवी रख दिए। 12,00,000 रुपए इसके ऊपर लगा दिए, 12,00,000। ए योगी भैया आप तो मकान दे रहे हैं, इनका तो मकान बिक गया महाराज। ये क्या हुआ आपके राज में? इनका तो मकान बिक, आप कहें तो एक भूत प्रेत का एक हूँ सेंटर खोल देते हैं। मनु भैया गरीबों की जान बच जाएगी, है ना? ऐसे ऐसे प्राणी लूटने से बच जाएंगे, ये अपने बच्चों को कैसे पालेगी मुझे बता, बता दो मुझे, ये अपने बच्चे कैसे पाले? इसका सब कुछ गिरवी रखा गया एक बहू को ठीक कराने में। इसको प्रेत बेहोश कर देता है, इसकी आंखें बंद कर देता है, इसको ये कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल। वो आईसीयू में इसको डालते हैं, कभी 50,000 रुपए ले लेते हैं, कभी 1,00,000 रुपए ले लेते हैं। और टेस्ट में कछु आता है? रिपोर्ट लेके आए थे आप तो, रिपोर्टवा में 8 दी हैं सर। कहाँ है ब्रेन ट्यूमर भाई बताना? ब्रेन ट्यूमर बताया था, ब्रेन ट्यूमर भी खत्म हो गया, लिख लो मेरी बात। वो कह रहे हैं ये ब्रेन ट्यूमर के कारण है। क्या कह रहे हैं? ब्रेन ट्यूमर के कारण ये बेहोशवा रहती है। कमाल, ये बेहोश हो जाती है, कई कई दिनों में इसको होश आता है। मेरा शरीर इतना ऊपर ऊपर कूदता है, शरीर इतना ऊपर ऊपर कूदता है, उसको डॉक्टर नहीं दे रहे, देख रहे। वो कह रहे हैं नहीं ये पागल हो गई है, इसके दिमाग में निश्चित ही गलत संकल्प है। इसमें सारे एलोपैथी के डॉक्टरों की बुआ है और सारे एलोपैथी के डॉक्टरों का फूफा है इनमें, इस लड़की में, ठीक है? और उस बुआ ने, उस फूफा ने उनको अमीरवा बना दिया है। क्या बना दिया है? अमीरवा। क्या बना दिया है? अमीरवा। अमीरवा बना दिया है फूफा ने और बुआ ने, फूफा और बुआ घुस गए। अब वो कहते हैं ना तो फूफा होती है ना बुआ होती है ना प्रेत होता है ना था, ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। बताए मेरे को कोई साबित करके ढोंग ढकोसला अंधविश्वास, ठीक है ना? लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया प्रेत है तो वो शूल तैयार रखे अपनी दोनों आंखें फोड़ने के लिए जो कहती है कि मैं सच देखती हूँ। खड़ी हो, तीसरा चक्कर है। आराम क्या क्या लगे मेरे सामने बता।
जैसे सिर दर्द हमेशा करता था, हाँ अब सही रहता है। सिर दर्द हमेशा करता था, अब सही रहता है। और कभी कभी कमर और बस दर्द कर रहा है, बाकी सब सही है। कभी कभी कमर और बस दर्द, वही कमर में दर्द, कमर में दर्द हो रहा है, बाकी सब सही है पहले से। घर पे ऐसे चक्कर आके गिरी थी? नहीं, घर पे ऐसे एक बार भी बेहोश हुई थी? बहुत पहले जब यहाँ नहीं आए थे ना तभी बेहोश होती थी, उसके बाद से बेहोश होना बंद। आ डांस करते हैं की। अरे छोड़ दे ये बैठना पावती है, ये 11 रुपए कहाँ दे रही है, 1.25 रुपए कहाँ नहीं लाई है? अकलवा खराब है तेरी, बुद्धि वा खराब है। कहीं ना मिला था चवनी, आंख बंद कर, सासू माँ है हमें ना बहकावे। एक ऐसे पैरवा का दर्द ठीक करना है, ठीक करना है, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, मगन हो प्रेम में नाच शनि के, ठीक है ना? ऐसे बोलो जय शनि देव, बोलो जय शनि देव, जय शनि देव। पैर भी जय शनि, पैर नहीं उठाएगी दर्द कहाँ से जाएगा पैर का? इधर उठावत मानी, ऐसे बोलो जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव, करूं तेरी सेवा, गिर जाना जय शनि सेवा, बोलो जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव, तेरे दर पे आऊं, जय शनि देव, तेरी महिमा गाऊं, जय शनि देव, तेरा गुण मैं गाऊं, जय शनि देव, 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 तेरे को कह रहा हूँ दर्द तेरे को है शरीर में, जय शनि देव, जय शनि देव, उसका तो भूत नाच रहा है, जय शनि देव, 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 जय सुना जय शनि देव, जय शनि देव, पैरों उठा के पैरों उठाओ जी, पैरों उठाओ, जय शनि देव, 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 रतन से कैसे, जय शनि देव, 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 तेरे गुण में गाऊं, जय शनि देव, तेरे गुण में गाऊं, जय शनि देव, तेरी महिमा गाऊं, जय शनि देव, मैं तुम्हें रिझाऊं, जय शनि देव, मैं तुम्हें मनाऊं, जय शनि देव, 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 सबको डांस सिखाऊं, जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव, बाबा मेरे आगे, जय शनि देव, अरे फैल है मिथुन, जय शनि देव, जय शनि देवा, जय शनि देवा, बाबा मेरे आगे, जय शनि देवा, अरे फैल गोविंदा, जय शनि देवा, बोलो जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा, करूं तेरी सेवा, जय शनि देवा, 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 मेरी बिगड़ी बना दो, जय शनि देवा, अब दर पे जगा दो, जय शनि देवा, 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 इसे शांति दे दो, जय शनि देवा, इसे मुक्ति दे दो, जय शनि देवा, इसे भक्ति दे दो, जय शनि देवा, 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 मेरा पार लगा दो, जय शनि देवा, दिखला दो, जय शनि देवा, बरसा दो, जय शनि देवा, 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 हम बालक तेरे, जय शनि देवा, हम कष्ट घनेरे, जय शनि देवा, 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 हम युग अवतारी, जय शनि देवा, हम महिमा भारी, जय शनि देवा, जय संसारी, जय शनि देवा, 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 मेरा धर्म सनातन है, सब बोलो सबका धर्म सनातन है, सबकी आत्मा अचल अमर अविनाशी और सनातन है, सब सनातन है,
सब सनातन के थे, सब सनातन के। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने कितने जन्म लिए हैं, इसने कितने जन्म लिए हैं, तू इसको दादा माने तो बैठा है, लेकिन तू भी इसका बहुत बार दादा बना है, ये बात मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। बोलो जय शनिदेव। तो सबसे प्यारा होता है उसको सबसे ज्यादा शूल गाड़ देते हैं। जय शनिदेव। ये भरना कब इनका उभर है महाराज, कब ना उभर। हाँ भाई, तो उभर गई। हाँ उभर उभर। लेकिन अब इतना पैसा तूने दे दिया, अभी दर्द कितना है तेरे को? कुछ हल्का भाई। कितना हल्का? आधा आधा हो गया। अभी और नाच लेती तो पूरा हो जाता है। अभी नाच ही नहीं तो मैं क्या करूं? इतनी नाची है पता ही नहीं चला कैसे नाच ली। अरे सब ठीक हो जाएगा। उसको लड़के को देखा जिसके पैर इतने इतने सूज गए थे, ठीक हो गए? ए नाचने से सब ठीक हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। एक तो वो गम मिट जाता है, वो दुख मिट जाता है जो आपने झेला है। एक आप जब ठीक होते हैं आपकी किस्मत का ताला खुल जाता है। दो, अब भाई सुन ले बात। तीन, वो गम भूल जाते हैं जिसमें हम डॉक्टरों से लुट के आते हैं। वो गम भूल जाते हैं कि हमने ये पैसा कहाँ से इकट्ठा करके दिया। अपने से जरा नीचे आओ और जहाँ वो खड़ी है और वो बहन खड़ी है उसको अपना मानो और ये समझो कि उसको कितना दुख हुआ होगा और उसके माता पिता को कितना दुख हुआ होगा कि जब उस बच्ची को बेहोश कर देता था प्रेत और डॉक्टर ये समझ के कि हम पढ़े लिखे हैं, आप हॉस्पिटल में जाते थे और डॉक्टर उसको क्या करता था, आईसीयू में डाल देता था और इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जाता और फिर 50,000-60,000 रुपये लेके छोड़ता था, 1,00,000 रुपये लेके छोड़ता था। तो 12,00,000 का कर्ज कैसे चुकाएंगे? खैर, योगी राज जी को परम शांति प्राप्त हो और वो ईश्वर कुछ सोचे, शनिदेव महाराज की उनको कृपा प्राप्त हो, उनका राज अच्छा चले, लेकिन उनके राज में एक कार्य और हो जाए, एक आंदोलित करने वाला और उन गरीबों के लिए जिनको प्रेत बाधा है और प्रेत बाधा के शिकार होने के कारण इस दुनिया में, ये बात याद रखिए, हमारा समाज कदापि नहीं रोक पाएगा धर्म बदलने को, जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसको हम क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम कहते हैं, कभी भी वो ईसाइयत को ईसाई बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो शैतान निकालते हैं और आपके भूत प्रेत शब्द को उन्होंने ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास बता दिया है, क्योंकि जब हमें कष्ट रहेंगे हम उनके द्वारे पहुँचेंगे और वहाँ से अगर हमें 25 पैसे भी आराम मिल गया, रत्ती भर आराम मिल गया, तो हम अपना धर्म बदल लेंगे, तो फिर धर्म बदलना नहीं रुक सकता। तो धर्म बदलना तभी रुक सकता है जब हम मान लें कि प्रेत हैं और उसको निकालें और साबित कर दें कि प्रेत हैं और लोगों का पैसा बचवाए। तो वो पैसा बचाने के लिए वहाँ जाते हैं, पैसा बचाने के लिए हम धर्म परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। अब इस औरत के पास मजबूरी है कि नहीं है? अगर ये ऐसे में किसी क्रिश्चियन के पास चली जाती, इसको वहाँ से ये आराम पड़ जाते, अगले दिन इसको अपनी तस्वीर और घर की झोपड़ी में सब कुछ अलग करना पड़ जाता, बताइए है कि नहीं है? मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास वो वीडियो भी है जिनमें लोग क्रिश्चियन बन गए हैं और उनको पादरियों ने कहा है कि तू क्रिश्चियन बन जा, तेरे सारे दुख हरे जाएंगे, और फिर वो यहाँ मनु भैया के यहाँ आके ठीक हुए हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जाओ अंदर जाकर।